हेलो दोस्तों, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, तो हमें ज्ञान का साथ पकड़े रहना चाहिए, अपनी अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि आपके साथ वो हमेशा बना रहे। पद्म पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और हमें अपना जीवन शुभ बनाना चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता था, उन्हें बेचता था और अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक वड़िक उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा कि मित्र, क्या तुम्हारे पिता हैं? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। और फिर पूछा उसने कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? मछुआरे ने जवाब दिया कि नौका डूब जाने के कारण वो भी समुद्र में समा गया। वड़क ने फिर पूछा कि दादाजी और चाचा जी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे का कहना था कि वे भी समुद्र में ही लीन हो गए। वड़क ने ये सुना तो बोला कि मित्र, ये समुद्र तो तुम्हारे विनाश का कारण है, इसके बावजूद तुम इसके तट पर आकर जाल डालते हो, क्या तुम्हें मरने का भय नहीं? मछुआरा बोला, भैया मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही, तुम्हारे घर वालों में से दादा परदादा पिता में से आकर कोई ही इस समुद्र तक शायद ही आया होगा, लेकिन वे फिर भी चल बसे, तो मौत जब आनी होती है तो आ ही जाती है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कब कैसे कहाँ आएगी, इसलिए मैं बेकार क्यों डरूं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो मौत जब आनी है तो वो आ ही जाएगी। तो इसी बात को लेकर हम इस कहानी को एंड करते हैं। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।